दोस्तों, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें? कभी कभार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक युवा के शरीर में रक्त की मात्रा यानी उसमें ब्लड 5.2 लीटर है और हमें इसको इस वॉल्यूम को यदि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप एक छोटी सी बात जानते हैं कि आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर रहता है? दोस्तों, आपका 1 लीटर के बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रहता है? मीटर बाई 100 के बराबर रहता है। यदि मैं इसका क्यूब करूंगा यानी इसके दोनों साइड यदि मैं क्यूब कर देता हूं तो आपका रिलेशन क्या आ जाता है उसको देख लेते हैं। मीटर क्यूब और नीचे आ जाएगा 100 का क्यूब यानी 10 की पावर 6। अब देखिए, जहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके जगह हम क्या रख देंगे? अपना यह रख देंगे, मीटर क्यूब बाई 10 टू द पावर 6। तो आपका 1 लीटर बराबर देखिए मीटर में कितना आता है उसको हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जगह मैंने रख दिया और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 10 की पावर 3 लिख देता हूँ 1000 को। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है, मीटर क्यूब बाई 10 टू द पावर 6। यहाँ से आपके पास कितना आ गया देखिए दोस्तों, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 6 कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -3 और आपका साथ में ये मीटर क्यूब। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है देखिए, 5.2 लीटर को। तो 1 लीटर बराबर इतने मीटर क्यूब है तो 5.2 क्या हो जाएगा देखिए, 5.2 मल्टीप्लाई जो 1 लीटर इक्वल टू मीटर क्यूब वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -3। तो इस प्रकार से आपका 5.2 लीटर इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब वॉल्यूम प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपना पूरा एकदम बेसिक से यदि समझते हैं तो इस प्रकार के यूनिट का कन्वर्जन बिल्कुल आसान है। धन्यवाद।